का कोई मंगरा बुधा में ताकत नहीं है कि जाके वहाँ पर हम लोग रोजगार कर सके, बट आप जाइए गुंडों द्वारा हम लोग को पिटवा दिया जाता है, रोजगार मांगने जाते हैं तो बम फेंक दिया जाता है जी। सुरंगा पंचायत में लड़ रहा था गुंडों के खिलाफ, हमारे ही जाति बिरादरी के, कहीं ना तो मार काहे के बैठे के छतिया थूर दे बकरा, तो वैसा तरह सरकार का ही आज इतिहास गवाह है। अगर हर के जी हमको किसी ने अगर धमकाया है, जोर से फटकर लगाया है, तो एकमात्र जरा मतलब लगाया है जी। हमने सिंधी इस तरह से साजिश के तहत वो लोग इस तरह का नीति बनाया कि सांसद से पारित होगा तब 27% OBC आरक्षण 1932 लागू होगा। जान हम लोग वोट देते आ रहे हैं, सरकारें बनती जा रही है, सरकार बन गए नो डाउट। आज जो आप बड़े पापा की उम्र हैं, चाचा के लोग की उम्र हैं, आप लोग का बाल पक गए हैं, आप लोग के साथ साथ देखिए मेरा भी बाल पक रहा है। आदमी डिसाइड कर लेता है DNA टेस्ट करके कि कौन किसका बेटा है, बट अभी तक झारखंड में जितने सरकार बना इन्हीं ने डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन असल झारखंड में। आखिर हम पूछ रहे हैं कि यहाँ अगर आपका खेत है तो जाहिर सा बात है उस खेती पर डॉक्टर साहब आपकी खेती कीजिएगा, न कि कोई और करेगा। आज सिवरी में बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, हाल है, FCI है, ACC है, और ना जाने टाटा मोटर्स की सब तो रोड साइड में बहुत लगा हुआ है, बट आके उसमें जाके आप देखिएगा बढ़िया से लिस्टेड अगर खंगालिएगा तो सुपरवाइजर के पोस्ट पर आपको बाहरी मिलेंगे, जो वहाँ का मुंशी है उसमें वहाँ तक छोड़ दीजिए, जो गेट खोलता है वो भी आपको बाहर को मिलेगा। और आपको बता देते हैं कि JLKM ही एकमात्र ऐसा पार्टी है जिससे जिन्होंने विस्थापन पलायन नियोजन स्थानीय मुद्दे पर बात करने का हिम्मत दिखाई है, वरना सभी पार्टियां दावे करती हैं कि हम करेंगे और ले जाके घुटने टेक देती है। आप देखें इससे पहले गठबंधन सरकार ने विधानसभा में रखा, किस तरह से साजिश के तहत वो लोग इस तरह का नीति बनाया कि सांसद से पारित होगा तब 27% OBC आरक्षण 1932 लागू होगा। यानी अपना दोष जाके दूसरे पर थोप दिया, और उन्होंने क्या कहा कि यह नीति असंवैधानिक है। अच्छा बोलिए, अगर बिहार झारखंड से अलग हुआ है, बिहार में 1932 चलेगा, झारखंड में 1932 कहने चलेगा, है क्या कारण है? अभी आपके पास बहुत कोई आएंगे, बहुत कोई आपका जाति आधार पर राजनीति करने आएंगे, बहुत कोई ऊंच नीच का राजनीति करने आएंगे, बहुत कोई छुआछूत का राजनीति करने आएंगे। ऐसी ऐसी पार्टियां हैं कि वो पूरा 5 साल वोट लेने के बाद छिप गए, जस्ट इलेक्शन के 4 या 3 महीना एक्टिव होते हैं और आ जाते हैं आपके पास फलना नारा लेके पुष्करण नारा लेके। आप समझ सक रहे हैं, आप लोग बुद्धिजीवी, हम चैंपियन सर इंडिकेट करना चाह रहे हैं, और आके आप लोग के पास वोट मांगते हैं और हम लोग उनको बनाते हैं और फिर वो हमें भूल जाते हैं। क्या कोई करीम, क्या कोई सब्बीर, क्या कोई मंगरा बुधा में ताकत नहीं है कि जाके वहाँ पर हम लोग रोजगार कर सके, बट आप जाइए गुंडों द्वारा हम लोग को पिटवा दिया जाता है, रोजगार मांगने जाते हैं तो बम फेंक दिया जाता है जी। सुरंगा पंचायत में लड़ रहा था गुंडों के खिलाफ, हमारे ही जाति बिरादरी के लोग हैं, भाई टाइप के मेरा रिश्ते लगेंगे, पांडव लगे, बम गिरा दिया वहाँ पर गुंडों ने। तो अगर माफिया गिरी खत्म करना है, आप इससे पहले देखे होंगे कि खालसा होटल में भी शायद बमबारी भी हुआ था, अंततः वो आदमी अपना सब कुछ बेच के पंजाब चल गया। तो वो लोग तो चल जा रहे हैं कि उनका पंजाब में घर है, बताइए हम झारखंडी के क्या औकात है कि हम कहीं जमीन लेके रखें? काफ़ जमीन लेके रखा लेकिन कहीं अगर हम ही मारते तो हम ही कहाँ जी भागो, कहीं ना तो मार काहे के बैठे के छतिया थूर दे बकरा। तो वैसा तरह सरकार का ही आज इतिहास गवाह है, अगर हर के जी हमको किसी ने अगर धमकाया है, जोर से फटकर लगाया है, वो एकमात्र मेरा मतलब लगाया है जी। हमने सिंधरी में विधायक बनाया, BJP को बनाया, आपका मास्टर्स को बनाया, आपका एक बार JVM एक बार JVM को भी बनाया है, आज चूंकि सुदोष महतो मंत्री जी बने, बट देखिए इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं। तो ये लड़का आज झारखंड के दर्द को समझना होगा, नहीं तो आसान बात नहीं है कि आप 2.5 साल में एक राजनीतिक पार्टी बना दीजिएगा। तो पार्टी बहुत है, तो काकू दादा सब टोनिक की बात हुआ, वो गिदड़ तक बोझ रहा, मतलब दर्द तो समझे तो किस दर्द में है, तो फॉर्म भर कोई दिक्कत ना, तो रिज्यूम डाल दें तो चलिए टाटा मोटर्स पे बोल कि हमें ITI करो, ले डिप्लोमा करते बोलते हाँ वहाँ रिज्यूम डाल दो, अब तो सब गोबर डिंगे फेंटा गए कागज गलो ना कागज, तो अगर आता पता ना चला तेरा, अगर अपन रोजगार अपन राज्य में छीन के लिए को तो भाई तेरा अपन सरकार रोक चाहिए, जगह तुम्हें चेड़ के तो दो बात रखे पड़ गई मुझे पढ़ ली। अरे ऐसा एकमात्र उम्मीदवार देख लिया हम जगह नंबर सब व्हाट्सएप ग्रुप में एड हो, डायरेक्ट फोन करे पा रहे, कोई दिक्कत नहीं। क्या डॉक्टर साहब गलत बोल रहे हैं क्या?
डायरेक्ट फोन करे पड़े बाकी विधायक जो कहत हमारे प्रतिनिधि से मिल अच्छा प्रतिनिधि ना भेट गलो तो वहाँ के नेता फलना लगो फलना से मिल अच्छा वो भेट गलो तुष्का से मिल तो अमुक ढैक करे करे कर समय पार भे गलो पर काम ना हतो तो एकमात्र प्रत्याशी जकर नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में भी हो अपन धपाक से डायरेक्ट में बात करे पड़े कि मैडम मेरा यहाँ पर दिक्कत है शॉर्ट आउट कीजिए या फिर अभी भी तो रात के 12 बजे भी फोन करिए आराम से फोन उठा तो एक महिला होते हुए भी 8 बजे निकलो और 12 बजे जाकर घर घुस लो और आज से ना ये महिला का भाषा आंदोलन ना हमें पहले शुरू से झारखंड में बता रहे कि झारखंड की दर्द तो वोट तोहर लागो जबरदस्ती ना छोटू रजक लिए पड़तो न माननीय उषा देवी जी लिए पड़तो न डॉक्टर साहब जबरदस्ती दिए पड़तो तोहरा निर्णय लेना हो कि अपन वोट तोहरा ककरा देना हो तो एक बार हमें तो विनती ही करे पड़बो थोड़े तोहर हाथ में कम हो कहो कि ना कहू तो बेटी छप पर जबरदस्ती दबा दी ये तो हमारे बस की बात ना निर्णय तोनिक लेना हो कि क्या तोनिक सुख दुख में साथ में खड़ा आते तो बेसी कका पे कि नहीं और